हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। बिल्कुल मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है मैडम, क्यों इतना मान रहे हैं? शालम जी, यस मिस, EMI पे नहीं हो रही है आपकी? क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी है मिस? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, आईफोन चला रहे हो, आईफोन यूजर हो और 2200 रुपए की किस्त नहीं भर पा रहे, कितनी शर्म वाली बात है। नहीं मिस, मेरे लिए तो नॉर्मल है, शर्म की बात थोड़ी है। आपकी सैलरी थोड़ी दिख रही है मेरी पेमेंट ना करने से? शर्म नहीं आती आपको? वो नहीं, मुझे तो आती नहीं है। सच में? हाँ सच में। तो अब्दुल जी से बात कराओ, फिर शर्म आएगी आपको। अब्दुल जी कौन है ये? आपके फादर है ना? अच्छा, मेरे फादर की बात कर रहे हैं आप? अब्दुल रहीम आपके फादर से बात कर रहा हूँ आपको? पक्का जी? हाँ पापा इधर आना। तो पापा, मैडम पहले बता दूं, बात करने से पहले मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। अच्छा, आपकी तरह ही हैं? हाँ, पहले बात कर लो पापा। पापा ये कपड़े वाली आपको। हेलो हेलो। हाँ बेटा। सर ये किस्त क्यों नहीं जमा हो रही है? कौन सी बेटा? फोन की। कौन से फोन की? मैंने तो कोई फोन लिया ही नहीं। पहले तो अब्दुल रहीम से बात कराओ, किसी कोई पापा बना लेते हो क्या अपने? कैसी मुझे चूतिया बनाने की ना जरूरत नहीं है सर, ठीक है? नहीं बेटा, आप कैसी बदतमीजी भरी बात कर रही हैं, इसका बाप ही बोल रहा हूँ अब्दुल रहीम, बताइए। मुझे तो लग रहा है सर आप इनके फादर बोल रहे हो। बेटा मुझे भी नहीं लग रहा ना कि आप इससे रिकवरी हो पाएगी, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ। रिकवरी तो मुझसे सर बहुत ज्यादा होती है। नहीं हो पाएगी बेटा, मुझे नहीं लग रहा, मैं भी TL रह चुका हूँ रिकवरी में, मुझे तो लग नहीं रहा। आप TL रहो चाहे मैनेजर रहो सर, आप और रिकवरी इतनी अच्छी तरीके से करती हूँ मैं सर की, बहुत अच्छी तरीके से। तो आप बात कीजिए, पेमेंट का बता दो आप मुझे, आईफोन की। आईफोन की पेमेंट का तो बेटा इसने लिया है ना, इससे बात करो। लो बेटा आईफोन की पेमेंट की। हाँ मैडम, आईफोन के पेमेंट का। मैडम आपने कहा पापा से बात करोगी, फिर आप मुझसे बात कर रही हो। मैडम गलत बात है ना, उनसे ही पूछ लेती। मुझे आप सिंपल सा ये बताओ कि EMI कब पे होगी? EMI मैडम कभी पे नहीं होगी, सिंपल सा बिल्कुल। कभी भी पे नहीं होगी? यस मैडम। ठीक है, तो आप एड्रेस बताएंगे अपना, किस एड्रेस पर रह रहे हैं आप? नहीं मैडम, एड्रेस तो मैंने खुद फरार हो गया ना, मैंने 50 लाख का डिफॉल्ट किया पता आपको। चोर हो क्या? मैडम चोर तो छोटा शब्द है, चोरों का मास्टर हूँ मैं। अरे चोरों के मास्टर हैं? मैडम मैं तो अपनी क्लास चलाता हूँ, ब्लैक क्लास एक्स नाम से। किसकी? ब्लैक क्लास एक्स, जिसमें मैं डिफॉल्ट करना सिखाता हूँ। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर लोन होता है ना, और ये NBFC अनसिक्योर लोन देते हैं, तो उसको डिफॉल्ट करना। अच्छा, मतलब एक तरीके से आप फ्रॉड है मैडम, पूरा स्कैमर, फ्रॉड का बाप, आप ये कह लो थीप का मास्टर। चलो कोई नहीं, बेसिक तुम्हारे घर पे बहुत जल्दी भेज दूंगा। मैडम मैं एक और बात बोलना चाहता था। नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है सुनने। नहीं मैडम फिर भी मैं बोल देता हूँ। मैडम आप जब यहाँ पर रिकवरी वाले भेजो ना, तो मैडम कम से कम 10 तक मत भेजना, क्योंकि मैडम 2-4 से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अरे अकेला आएगा वो, मर जाएगा वो, हिजड़ा थोड़ी ना है। पक्का मैडम? 10 जनों को भेजूंगी। पक्का? चलो ठीक है, पर मैडम अकेला ही आएगा वो। कितना बड़ा मर्द है? मर्द ही है वो, और देख लेना और पता भी लग जाएगी। ओके मैडम, मैं तैयार हूँ उससे मिलने के लिए। तो अपनी लोकेशन और मुझे करंट एड्रेस बता दो। अगर वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा तो आप फिर या तो तैयार नहीं है या आप डर रहे हैं। नहीं मैं तो पूरा तैयार हूँ, आपको ढूंढ के आना है बस। तैयार ही तो नहीं है आप, एड्रेस बता दो। अगर ना आपके एड्रेस पर वो आ जाए तो आप कहना कि मैडम तुमने क्या बोला था। नहीं मैडम मैं आपको एड्रेस दे दूँ? पक्का? पक्का। और चलो मैडम देना जहाँ पर आप अभी अवेलेबल हैं। लो मैडम, हाउस नंबर 742। तुम्हें अपनी अम्मी की कसम है, सच एड्रेस बताना, बिल्कुल राइट एड्रेस। मैडम बिल्कुल एकदम ना राइट एड्रेस दे दूंगा आपको। हाँ वही बताओ। लेकिन मैडम मैं दिल्ली में रहता हूँ। तुम्हें अपनी अम्मी की कसम है, राइट एड्रेस बताना। मैडम मैं आपकी कसम को स्वीकार तो नहीं करता, लेकिन आपको राइट एड्रेस दे रहा हूँ। अम्मी की कसम है। मैडम एक बात बताओ, बता रहे थे वो मैडम बताना, कोई हैरी गहरी आके मुझे कसम देती तो मैं मार दूंगा क्या? आपको अपनी अम्मी की कसम है? नहीं मैडम, मैं आपको एड्रेस तो सही दूंगा, लेकिन मैं कसम वसम मानता नहीं, क्योंकि कोई ऐसी एरिया आके मेरे को कसम दे दी तो मान लूंगा क्या? अरे आपको अपनी मम्मी से वो नहीं है क्या कि मेरी अम्मी की कसम कोई दे रहा है? अपनी अम्मी की कसम दे रही हूँ मैं आपको, आप बताओ एड्रेस बताओ। नहीं मैडम मम्मी है ही नहीं ना। मम्मी नहीं है तुम्हारी? नहीं मैडम। इंतकाल हो गया उनका? हाँ मैडम। अच्छा, तो कोई नहीं, अब्बू तो है।
अब्बू से मैडम बात कर रहा हूँ। लो अब्बू बात नहीं करनी, इंटरेस्ट नहीं है मुझे। हाँ बेटा हेलो सर, इंटरेस्ट नहीं है, एड्रेस बता दो। एड्रेस लेना बेटा, लिख लो। हाँ देखो बेटा, हाउस नंबर 742। आप ये शाह आलम की कसम है, आपको एड्रेस बिल्कुल करंट बताना अगर आप इनके फादर हैं तो। बेटा मैं तो एड्रेस आपको वो दे रहा हूँ जो मैं जानता हूँ, आजू बाजू जो मैं रहता हूँ ना, जिस जगह आजू बाजू नहीं, जहाँ पे आप अभी अवेलेबल है ना, वो एड्रेस बताओ मुझे। हाँ बेटा जहाँ अवेलेबल था वही तो बता रहा हूँ आपको, आप ले लो। हाँ आपको शाह आलम की कसम है, तो बेचारा मरमुर हो जाएगा वो। हाँ बेटा मुझे मुझे, मुझे शाह आलम की कसम है, मैं आपको वो एड्रेस बताऊंगा जब मैं रहता था, आप ले लो। रहता था नहीं, जहाँ पर आप इस टाइम बैठे हैं। बैठा तो मैं बेड पे हूँ बेटा। हाँ तो बेड पे बैठे हो ना, तो वहीं का एड्रेस, जिस घर में बेड रखा हुआ है। अरे इस घर का एड्रेस जानना है आपको? हाँ। अरे ये बोलिए ना फिर, आपको इस घर का एड्रेस जानना है? दूसरों का बाप बनने का ज्यादा शौक है क्या? अपने बच्चों के बाप बन जाओ। नहीं बेटा मैं बाप बनते घूम रहे हो। नहीं अपने बच्चे बेटा, कैसी बदतमीजी भरी बातें करनी है बेटा, तू ही देखे तो क्या कह रही हो, ये नहीं बन पाएंगे ना। हाँ क्या हुआ सर, म्यूट कर दिया? अरे गलती से, ये मैडम गलती से म्यूट हो गया मैडम, पापा बहुत डेंजर है, आप ऐसे गुस्सा मत दिला, पापा गुस्सा आ गया ना फिर आपके कान से खून आएगा। ये वो बताओ शाह आलम तुम्हारे पापा है या फिर बवाल है? मैडम है मेरे पापा, लेकिन गुस्से वाले हैं, थोड़ा आप ऐसी बात मत करो, गुस्सा आ गया तो पता है क्या होता है। बना लेते हो क्या अपना? नहीं पापा नहीं है, मैं देखती हूँ। बड़ी शर्म की बात, क्या कह रहे हो? मैडम पापा बैठे हुए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ऐसी बात मत करो, ये भी रिकवरी करते थे ना, कभी गुस्सा आ जाएगा उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। तुम्हारे पास में? हाँ। अच्छा पापा तो बड़े अलग है यार। नहीं वो थोड़ा यूनिक है, ये बात तो है, यूनिक है। अच्छा अच्छा मैडम बात करें, कराऊं? लो बात कराओ मैडम की, मैडम से बात कराओ पहले, मैडम को तो सही। अरे पापा से बात कराओ। अरे मैडम को फोन तो दो मैडम। अरे अपने पापा से बात कराओ। ठीक है पापा, ये लो एक बार और बात कर लो। हेलो एक बार और कर लो बात। हेलो नकली पापा से बात कर लो। अरे नकली अभी असली बन जाएंगे। हेलो हेलो। हाँ जी पिताजी बात कर रहे हैं आप? यस बेटा। अच्छा बेटा वाह, सब तो बहुत अच्छे हैं सर, अपना आधार कार्ड भेजना था ना इनके पिताजी हो तो। बेटा रिकवरी वाले आधार कार्ड नहीं मांगते, कैसे रिकवरी एजेंट हो? अरे बेटा रिकवरी वाले तुम्हें भी उठाना जानते हैं, ठीक है बेटा? बेटा तुम आधार कार्ड भेज दो अपना। बेटा ऐसे बात नहीं करते, पता है मैं कैसे कैसे कह रही हूँ आपसे, कैसे कैसे कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ। चूतिया बनाए ना तो चूतिया मैं बनाऊंगी, तुम्हें आधार कार्ड भेजो अपना। बेटा आप शब्द का प्रयोग नहीं, बाप हो ना उसके आधार कार्ड भेजो। आधार कार्ड नहीं भेज सकते ना, कैसे भेजू? बार बार ना बाप ना बेटा नहीं बोलता, बेटा बेटा हर बात में बेटा, ये बात तो सीख लिया बेटा बेटा। ये जो है ना मैं आपको तमीज से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो है ना लग रहा भा नहीं रहा तमीज। अरे यार देखो पहली बात तो तुम उनके बाप नहीं बोल रहे, पहली बात तो मैं तुम्हारे याद नहीं, तो बाप के दांत हिलने चाहिए थे, बाप के दांत तो हिल रहे हैं पहली बात तो। नहीं बाप का कुछ और हिलता है ना। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, एक लगेंगे ना कान के नीचे, धरती चाटता फिरेगा अभी तू चूतिया, हिलने लग जाएंगे अभी। नहीं हिलेगी तो आपकी, मैं भी बड़े तमीज से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप भूल गए बात ना। बाप है तू, बाप है, कहीं ऐसा ना हो ना कि अपना अपने बच्चों का बाप ना बन पाए तो चूतिया। मैडम आपको चाहिए सांप, वही तो मैं कह रही हूँ, अपना अपना बाप नहीं बनेगा तू, अपना अपने लड़के का, जहाँ एक लड़की श्राप दे रही तू कोई बाप नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा मैडम मैं आपके श्राप का स्वीकार करता हूँ। बता दिया मेरे को बाप बन गया, मैं बटवाऊंगी मिठाई। ठीक है मैडम मैं आपके श्राप को अस्वीकार करता हूँ। तुम आज तो स्वीकार ही करोगे तुम, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। पहले ये होता जो आईफोन ले रखा है इसकी किस्त पे भी जमा करा रहे हो तुम? आईफोन की किस्त बेटा ये बताएगा, रुको इसको कॉल देता हूँ। बेटा ये थोड़ा बदतमीजी कर रही है, फिर तुझे पता है मेरी वाली बेटा, और बेटा के पापा, बेटा से बात कराओ। हाँ मैडम कैसे कैसे गुस्से में आ रही हो, दादी चूल्हे के आपकी टांगों के भी? अरे मैं ये कह रही हूँ ना कि तुम्हारी बहन की चुल्ल पड़ी है क्या? दादी चूल्हे के आपकी टांगों के बीच बड़े प्यार से बात, बहन की चुल्ल पड़ी है क्या? मैडम क्या कह रही हो, मतलब तेरे बेटे की मम्मी की चुल्ल पड़ी है? मैडम क्या कह रही हो, मैं चालू हो जाऊँ इधर से? अरे तो मैं चालू होंगी ना तो तू मैडम, आप चालू होगी,
चूतिया कहीं का चोर। मैडम देखो ऐसा है ना, आप एक काम करो, आप डिस्कनेक्ट कर दो बात। तेरा बेटे से, तेरा बेटा नकली बेटा। बाबू मैं ही तो बोल रहा हूँ, बाबू मैं ही तो बोल रहा हूँ, इतने जोश में क्यों आ रही है? हाँ भाई तो कह रही हूँ, तेरा बाप मर गया क्या जो तू नकली बाप दे रहा है? नकली बाप दिया थोड़ी जाते क्यों क्या? अरे अच्छा मैं समझ गया, समझ गया क्या मर गया। मेरे ख्याल से तूने ना, तू तेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली होगी तभी तुझे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं। अरे सुन, मेरी मम्मी की छोड़ तेरा बाप मर गया, ये बताओ बस। मुझे आपका दुख समझ में आ रहा है, आपका दुख समझ में आ रहा है। नहीं ये बताओ, जो दूसरा बाप है उसने नया भाई तो पैदा नहीं कर दिया? जो दूसरा भाई है उसने नया बाप को, जो दूसरा बाप है उसने नया भाई तो पैदा नहीं कर दिया? अरे यार तेरा बाप तुझे पैदा किया है तभी तेरा बाप तेरी जैसा है। वही तो पूछा, मम्मी ने जो शादी करी है तो दूसरे बाप ने नया भाई तो नहीं दे दिया? डुप्लीकेट बाप, डुप्लीकेट बाप, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम डुप्लीकेट की खबर खा रहे हो यार। तू कितना मलिच इंसान है, दूसरे को बाप बना लिया। मैं बहुत ही नीच, मैं बहुत ही नीच और मैं बहुत नीच नीच और सैलो किस्म का व्यक्ति हूँ, गिरा हुआ एकदम। और मैं ना बहुत बहुत कमीनी लड़की हूँ, तू जानता नहीं है बस। अरे मेरे सामने नहीं हो, सारा कमीनापन निकाल देता। अरे सामने, तेरे सामने आ गई तो पैंट में कहीं कुछ निकल आ जाए। हाँ पैंट में तो कुछ निकलेगा, ये तो बात सही है। नहीं पैंट में तो कुछ निकलेगा जब तुम सामने हो। वही तो मैं, वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो है ना, वही बेड की धरती चाटता फिर तू। अरे नहीं हाथ बात मत लगाना, कहीं पैंट फाड़ दे। आईफोन लेके दिखा रहा होगा 10 लोगों को, आईफोन ले लिया। अब सबको ये नहीं पता है कि तू कर्जा खा के आईफोन लेके घूम रहा है। अरे बताने की जरूरत क्या है, बताने की बात थोड़ी होती है। वही तो मैं कह रही हूँ, आईफोन लेके खा रहा है, लेके घूम रहा है तू, और सबको ये नहीं बता रहा। इसके रिश्तेदार को फोन लगा के कह दो ये आईफोन ले लिया, ये किस्त पे लिया जो दिखा रहा है। जल्दी लगा, थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना। फोन करो इसके पूरे रिश्तेदार को, फोन करो, नंबर निकालो इसका। ओके और सबसे ये बोल देना ना कि ये अपना दूसरा बाप बना लिया, आ जाना बाबू काबू बाबू तेल लेने। बाबू तेल नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, पागल हो तेल लेने की जा रही हो? वही तो मैं कह रही हूँ, बाबू तेरी गई तेल लेने। बाबू पागल हो क्या? अभी चाहिए ही नहीं मुझे, अभी चाहिए ही नहीं मुझे, तुम तेल लेने मत जाओ। वही तो कह रही हूँ, तेरा बाप मर गया, मर गया तेरा बाप। अरे जिसको बाप पे मरने की धिक्कार नहीं है वो इंसान ही क्या है? धिक्कार नहीं कहते, हिंदी भी नहीं आती तुझे ढंग से, इसको बोलते हैं जिसको अपने बाप के मरने का शौक ना हो। हिंदी आती है, हिंदी में बोल रही हूँ, तेरे को उर्दू आती है क्या? हाँ मैं तो उर्दू उर्दू हिंदी सब बोल लेता हूँ। बोल के दिखा, मैं तो प्योर प्योर हिंदी में भी बोल दूंगा, मुझे अपने पिता की मृत्यु का जो है ना दुख नहीं है। तू कर्ज खा के बैठा ना, तभी तो सुन रहा है इतनी देर। मैं तो सुनता बाबू, मैं इंग्लिश उर्दू हिंदी सब बोल रहा हूँ। शर्म ही तो नहीं आती, मैं बेशरम हूँ, लज्जा लाज तो बेच दी मैंने। लाज लज्जा बेच दी, जब हर जगह से बेशरम हो तो तुम शर्म क्या करो? लाज लज्जा है नहीं मुझे, लाज लज्जा बेच दी मैंने। अरे चूड़ी पहन ले, नहीं तो कटोरों लेके। अरे कंगना चूड़ी पहना और तुझे पीट दूं, बात को दर के। और मैं भी दे दूं, मेरे पास 2 रुपए पड़े हैं छुट्टी दे देगी? नहीं मुझे मत दे, रहने मैं, मुझे चाहिए नहीं अभी। ले ले ना 2 रुपए ले ले, 2 रुपए से किसको नहीं। अरे सही में 2 रुपए में दे देगी, पूरी मेरी क्लास बैठी है बच्चों की, 2 रुपए तो दे देगी आराम से, 5 दे देगी तुझे। बच्चों तू बच्चों को बनाता है। हाँ मैं जो है ना ब्लैक क्लास चलाता हूँ, 5 रुपए और 5 मिनट दे दिए तू। हाँ वही तो बच्चों को यही पढ़ाता है। अरे बच्चों को क्या, बच्चों को बीच में ला रहा, तू तो टीचर ना, फटीचर लग रहा मेरे को। नहीं मैं फाड़ देता हूँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ फाड़ देता हूँ। टीचर होता ना तो पहली बात टीचर ऐसे बोलते नहीं है। देखो मेरा ना 2 तरीके से काम करता हूँ मैं, एक जैसे सामने वाले से बदतमीजी करता है ना तो मैं अपनी बदतमीजी पे बात करता हूँ। तुमसे किसी ने बदतमीजी नहीं की पहली बात, तो तू अपना बात से चेंज कर दिया, ये बता। ये बदतमीजी है, ऐसे थोड़ी करते हैं। नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, बात ये मेरा टीचर है, कौन सा टीचर है, कहाँ से पढ़ा है, मैं डिफॉल्ट करना सिखाता हूँ, मेरी क्लास चलती है। गवर्नमेंट टीचर है, मैं डिफॉल्ट करना सिखाता हूँ, मेरी मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मेरी क्लास चलती है। बच्चों को ऐसे ज्ञान देता है क्या तू? हाँ बच्चों को एकदम प्योर ज्ञान। मैं थूक लगा के करता हूँ जो करता हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो चाट ले फिर थूक अपनी। नहीं वो तो मैं जब थूक लगेगा फिर चाटूंगा, टीचर है तू, देख लिया मैंने। ओके तो टीचर होता ना तो पहली बार ऐसे जुबान से तेरे ना गंदे शब्द नहीं निकलते। क्या करूँ मेरी आदत है, टीचर पे मैं जो है ना बैक बेंचर हूँ, बैक बेंचर हूँ, बैक बेंचर घंटा बैक बेंचर। पहली बात तो किस्त भर दे बैक बेंचर, बच्चों को कहता है आईफोन ले लिया थी। अब बाबू बाबू गुस्सा नहीं होना, बैक बेंच पे लिटा दूंगा मैं, ज्यादा गुस्सा करूंगा। अरे चल तेरे जैसे अपनी बहन को लिटा ले, मैं सामने होंगी पास में।
बाबू तू आ तो सही घर पे, तू एड्रेस ढूंढ के आ जा। बहन को लिटा ले, भाई को भेजू क्या, भाई नहीं आप भाई को भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं थोड़ा जो है ना भाई को भेज दे, वो भी चल जाएंगे। अरे भाई भी चल जाएंगे, भेज तो सही, भेज दू ये बात कर ले भाई। हाँ भाई से बात कर, हेलो इसके भाई, हेलो हाँ हेलो इसके भाई। अरे क्या चल रहा तुम्हारा, क्या दिमाग बेटा, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अरे यार देखो जो है ना, तुमने यार बड़े प्यार से बात की, चलो प्यार प्यार से निपटा देते हैं, जब तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो तो। नाम क्या है तुम्हारा? अनुपम नाम क्या अनु? अरे ये क्या बोल दिया तुमने सही में? अनुपम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा बेचारा, आदत का भी अच्छा था। तो तुम भी तो अच्छे बोलो। अच्छा तो मैं हूँ लेकिन क्या करूँ, मल्टीपल डेप ने मुझे ऐसा बना दिया, मैं देने की कंडीशन में नहीं हूँ ना, राइट ऑफ के बाद सबका सेटलमेंट करूंगा, कुछ तो दूंगा भी नहीं, कुछ ऐसी बदतमीजी हो गई है ना तो बस वो उस चक्कर में कुछ तो दूंगा भी नहीं, और जो दूंगा राइट ऑफ के बाद दूंगा सेटलमेंट। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करोगे? हाँ, 50 लाख रुपए का लोन है मेरे ऊपर टोटल। कितने का? 50 लाख रुपए का। अब तक कितने सेटल करे? अभी सेटल का करे, राइट ऑफ हुआ नहीं है। बोलेंगे भी नहीं राइट ऑफ? राइट ऑफ हो जाएंगे की चिंता ले रहा हूँ, कुछ तो पेमेंट नहीं दे पा रहे ना, क्यों नहीं हो पाएंगे? मैं समझ गया ना, राइट ऑफ होने के लिए अभी। अच्छे यार तुम कहना चाह रहे हो वो फंडिंग, जो तुम पढ़े लिखे इंसान हो, सारी समझदारी दिमाग में है, तो वो चीज बताओ मुझे। मैंने जब भी समझ लिया, तो तुमने कहा ना पैसे नहीं भर, वो जब भी समझ गया तो वो सब पता। नहीं पता मुझे समय, लेकिन राइट ऑफ तो बाद ही करूंगा जो मैं करूंगा। मैं तो मैडम के साथ, पता क्या मैं क्या कर, नहीं मैं सेटलमेंट करूंगा मन में, क्योंकि यार सेटलमेंट भी नहीं कर सकते, लिख लो चलो यू भी लिख लो सेटलमेंट भी नहीं कर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? हम बता रहे तुम्हारी बात से मुझे पता लग गया। नहीं पता है क्या मैं सेटलमेंट क्यों करूंगा, मेरा सबसे बड़ा रीजन ये भी, यार कॉलों से परेशान हूँ मैं, बहुत कॉल आते हैं, तो मैं सेटलमेंट कर लूंगा तो यार ये कॉल वगैरह नहीं करोगे, सेटलमेंट भी नहीं कर पाओगे, और दोबारा जमा ही नहीं कर पाओगे। अच्छी है यार, मतलब मुझे एक तो यार तुम्हारा नाम अनुभव, ऊपर से एक्सपीरियंस तुम्हें लग रहा है कुछ ज्यादा ही, यार तुमने ऐसी बात बोल दी। हम तुम्हें क्या बता रहे, अगर तुम सेटलमेंट राइट ऑफ तक पहुंच गए ना, हाँ तो तुम पैसा जमा नहीं कर पाओगे। चलो यार तो मतलब इतना बेकार होता है ना, इंसान खराब कर दिया लोग अपना सिविल सबकी मार रहे हुई पड़ी। अरे तुम यूपी के तो नहीं हो गई? हाँ यूपी। अरे मेरे भाई क्या कहने यार, अरे भाई साहब यूपी का ही था मेरा दोस्त अनुभव, यूपी के बंदे यार हरामी बहुत होते हैं लेकिन दिल के अच्छे होते हैं, कुछ भी कह लो हरामी तो बनाते हैं सामने वाले, नहीं तो हाँ वो तो यूपी के माहौल ऐसा है, क्या करें, लेकिन दिल के बंदे अच्छे होते हैं यूपी के। हम जहाँ रेस्पेक्ट मिलेगी वहाँ रेस्पेक्ट देंगे, जहाँ नहीं मिलेगी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ दूसरा वाला काम। यही तो दिक्कत है आजकल, तो रिश्तेदारों में रेस्पेक्ट नहीं मिलती यार। ये है अगर नहीं करता, मैं समझ गया सारी चीज इंटेंशन, क्या है ना देखो ऐसा है, साफ बात बोलूंगा, जाके भी तुम पेमेंट नहीं कर पाओगे, मैं तुम बता दूं, तुम्हें लगता होगा राइट ऑफ में तुम्हें 50% का वो मिल गया, कुछ नहीं मिलता। नहीं 50% का मिलेगा, मिलेगा 20-20% का, 21% का। क्या वेबर कह रहा हूँ सेटलमेंट? ना 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 30% का, 20% का मिलता। अरे यार मैंने बहुत सारे सेटलमेंट कराए हैं, मेरे दोस्त का काम एजेंसी चल रही है, 20-30% नहीं मिलता। अरे तो या तो तुम कहना चाहे हो 70-75% में सेटलमेंट। नहीं 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 मैं वेवर की बात कर रहा हूँ, 25% में दूंगा और 75% मुझे वेवर मिलेगा। नहीं नहीं हाँ हाँ ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे पास बहुत सारे तो बैंकों के लेटर हैं, SBI का पड़ा 20-20% पे दे देता है SBI 6 महीने बाद। भाई SBI में 1.5 साल तो मैंने नौकरी कर ली। अरे 20-15% के बहुत सारे लेटर हैं तो भेजो। 1.5 साल नौकरी करी है और उस 1.5 साल में एक बार भी ऐसा कस्टमर मुझे नहीं मिला जिसे मैंने 40% से ज्यादा दिया हो, यानी कि 60% दिया और 40% दिया। कौन सा केस संभाल लिया, राइट ऑफ के एनपीए के? मैंने राइट ऑफ भी कर रखा, एनपीए भी कर रखा और मैंने मॉर्गेज भी कर रखा। जब मॉर्गेज क्या होता है ये नहीं पता यार, मॉर्गेज यार सुना नहीं है, मतलब पहली बार किसी ने बोला मॉर्गेज क्या होता है? मरा हुआ लोन। मरा हुआ लोन तो मॉर्गेज का होता है, विंटेज वन के बाद विंटेज टू के बाद। तो आगे सारी चीजें बताइए सही नहीं है। नहीं नहीं बता दो यार, मॉर्गेज का होता है विंटेज वन विंटेज टू का होता है, इतने बहुत है। ज्ञानी ज्ञानी को ज्ञान मत दो। नहीं यार मैं लेना चाहता हूँ, आज पहली बार तो कोई अपने यूपी का भाई मिला है।
पता है मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, कॉल करते रहते हैं तो थोड़े बहुत मजे भी ले लेता हूँ। बुरा मत मानना मेरी बातों का, मुझे बुरा मानना बुरा मान लेना। नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैडम की बात कर रहा हूँ। मैडम से कहते ना बुरा ना माने मेरी बात का। बातें भी ऐसी करो कि बुरा मानने वाली है, बुरा भी ना मानने। अरे यार मैडम भी कम थोड़ी कर रही थी। देख लिया सुन लिया मुझे भी आया। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ठीक है बस ऐसे ही अच्छे रहना भाई, अब ना इससे आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।